हेलो कार लवर, आज मैं आपके लेके आया 2013 मॉडल की अर्टिगा जो कि वीडियो है। आज करने वाले हैं हम इसका रिव्यू, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी सेंटर लॉकिंग के साथ में की, जैसा मारुति हर गाड़ियों में देती है लॉक प्लस अनलॉक। ये रही 2013 मॉडल की अर्टिगा। इसमें आप जैसे फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन लाइट, हेलोजन इंडिकेटर, सब पार्किंग लैंप वगैरह सब कुछ यहाँ पे हेलोजन ही मिलता है। उसके साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पे मिल जाता है हमें सुजुकी का एक खूबसूरत सा लोगो, जो कि आजकल हरी गाड़ी में यही लोगो आ रहा है। महिंद्रा के समान सुजुकी ने अभी तक कोई भी लोगो चेंज नहीं किया है। यहाँ पे नंबर, ये रही इसके नीचे रेडिएटर ग्रिल वगैरह, ये रही इसके फ्रंट प्रोफाइल। अब जैसे नीचे की बात करें, इस यहाँ पे मिल जाता है फॉग लैम्प, ये आफ्टर मार्केट वाला है। इसके साथ में आते कंपनी फिटेड, बट वो कोई इशू की वजह से उसको यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ पे आफ्टर मार्केट वाला लगा लिया है। आज की इस वीडियो में रोड नॉइज आ रही होगी तो सो सॉरी गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं मेन हाईवे में आपके लिए शूट कर रहे हैं वीडियो को। जैसे इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पे ORVM में मिल जाते हैं हमें इंडिकेटर, यदि आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी वजह से कम दिख रहा है। इस साइड में मिल जाते हैं हमें क्रोम गार्निश के साथ में डोर हैंडल्स, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल होगा ये पेंट वगैरह, थोड़े यहाँ पे क्रोम लगा हुआ तो निकल गया है। ये रही इसकी साइड प्रोफाइल अर्टिगा की, ये डीजल मॉडल लेके आया हूँ मैं अभी, डीजल मैनुअल है ये। अब बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में हमें सब कुछ हेलोजन ही मिलता है, हेलोजन स्टॉप लैम्प, साइड पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, सब कुछ हमें हेलोजन ही मिलता है। ये रही इसकी बैक प्रोफाइल, यहाँ पे मिल जाते हैं हमें चार सेंसर्स प्लस यहाँ रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। उसके साथ में हमें यहाँ रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, ये रहा इसकी लाइट, यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है अर्टिगा VDI की। ये रहा इसकी ड्राइवर साइड की प्रोफाइल, इसमें हमें कोई भी कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ से ही हमें अनलॉक करना पड़ेगा। ये अनलॉक किया मैंने। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं, बोनट ओपन करके यहाँ पे मिल जाता है बोनट का ऑप्शन हमें। फ्रेंड्स ये रहा इसका 1250 सीसी का इंजन, यहाँ पे देख सकते हैं DDIS है, सुजुकी का यहाँ पे ब्रांडिंग है, पूरी डस्ट है थोड़ी इंजन में। यहाँ पे सब वॉशर फ्लूइड वगैरह सब कुछ है, बैटरी वगैरह जैसा इंजन पार्ट है सेम वैसा ही है। इस गाड़ी में मारुति ने वही किया है जो नीचे कवरिंग वगैरह नहीं देती, इंजन कवर वगैरह नीचे में आपको पूरा गेप दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। यदि मैं अपना लेग डालूँ आ रहा होगा तो, नहीं नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे से पूरा ओपन है इसका एरिया। इसके हेडलाइट यूनिट वगैरह की माउंटिंग है, इधर में इंजन माउंटिंग वगैरह भी दी हुई है। चलिए फ्रेंड्स ये तो बात हुई इसके आउटर साइड की, अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। फ्रेंड्स ये रहा इसका स्टेयरिंग व्हील, जो कि ओरिजिनलिटी के साथ में हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर वगैरह, RPM मीटर। इसको स्टार्ट करते हैं, पहले उससे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे मिल जाते हैं चारों पावर विंडो, साथ ही में मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाता है लाइट वगैरह का एडजस्टिंग का सेट, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको लेवल सेट करने का। उसके बाद में यहाँ अलार्म वगैरह है सेफ्टी वगैरह के साथ में। इसे आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है टिल्ट स्टेयरिंग, यदि ये देखो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है ये, इसमें टेलीस्कोप का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे लगती है इसकी चाबी, कोई भी कीलेस वगैरह या फिर स्टार्ट ऑन ऑफ की बटन कुछ भी नहीं है। अब यदि एक राउंड घुमाऊँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्टार्ट हो गए, पूरी वार्निंग लाइट वगैरह हर चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद मैं सेल्फ मारूंगा तो गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब इधर की बात कर लूँ तो सेंट्रल कंसोल की बात, मिल जाता है हमें हैजार्ड लैंप का कंट्रोल, यहाँ पे एयर फ्रेशनर जो कि हर को रहते हैं, यहाँ पे हमें गणपति बप्पा है। अब जैसे ही यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी अच्छा खासा है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है, यानी जो अभी डिजिटल आता है उस टाइप के नहीं है, लेकिन साउंड अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आप AC के कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ मिल जाता है, जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे मिल जाता है हमें 5-speed का गियर मैनुअल, जो कि डीजल में रहने वाला है ये। उसके बाद में यदि सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें आर्म रेस्ट देखने को नहीं मिलता, ये मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक, ये मिल जाता है सीट बेल्ट के पिन, इसमें पिन होता है। उसके बाद में अपन यदि बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में यहाँ पे मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन, और साथ ही में यहाँ पे मिल जाता है ये, जैसे आप इसको इधर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा खासा क्या बोलना चाहिए, फीचर या फिर जो भी वाटर होल्डर, बहुत अच्छा है ये, ऐसा नहीं कि एकदम ये यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखने टाइप में ठीक है,
यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि यहाँ सामान है, ज्यादा डीप तो नहीं है पर ठीक है। अब जैसे अप साइड की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है वैनिटी मिरर सनवाइजर्स में, यहाँ पे मिल जाता है मिरर। अब इधर की बात करूँ तो यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह दिया है बट यहाँ कोई भी वैनिटी मिरर हमें नहीं मिलता है। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की। हाँ फ्रंट साइड से बताना, पहले बात करें को पैसेंजर साइड की डोर की, तो यहाँ पे हमें सिल्वर फिनिश में मिल जाती है और यहाँ पे कोई भी लेदर वगैरह नहीं है, सब प्लास्टिक है, कोई भी कपड़ा वगैरह तक के यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे पावर विंडो अप एंड डाउन। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मिल जाता है हमें वाटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे कोई भी एयरबैग की बेजिंग वगैरह नहीं आती, इस गाड़ी में कोई भी एयरबैग नहीं। जब का ये मॉडल है 2013 का, उस समय में गवर्नमेंट ने इसमें यानी क्या बोलना चाहिए एयरबैग मैनेट्री नहीं की हुई थी, इसके टॉप मॉडल्स में एयरबैग आते थे, यहाँ पे करके एयरबैग नहीं है इस कार में। यहाँ पे लेदर फिनिश में पूरी सीट दी हुई है। यहाँ पे मिल जाता है सबसे पहले आपको एसी, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, यही बैक साइड में भी कवर करती है और फ्रंट साइड में भी यही कवर करती है। अभी जैसे ही बैक साइड में जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए ज्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉकेट है, यहाँ पे एक ऑप्शंस के तौर पे दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैक साइड की, चलते पीछे साइड में। बैक साइड में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे मिल जाता है हमें एसी फ्लो का कंट्रोल, फैन वगैरह का यहाँ पे एसी। अब भाई ये सीट हो जाती है अपने 60-40 के रेशियो में, आगे पीछे हो जाती है करके मैं एक सीट को फुल पीछे और एक सीट को फुल्ली आगे करके रखा हूँ। यदि पूरी सीट पीछे रहती है तो उसके बाद में इतनी स्पेस बच जाती है यहाँ पे आराम से। अब थोड़ी देर में आपको पीछे साइड भी जाके बताऊंगा कि कितनी स्पेस रहती है। यदि हेडरूम की बात करूँ तो 6-7 इंच के आसपास में इसका हेडरूम मिल जाता है। अब यदि ये सीट मैं पूरी आगे कर दूँ, जनरली इतना तो कोई चलाता नहीं है आगे करके या फिर बैठता नहीं है, फिर भी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ उसके बाद में स्पेस कितनी रहती है। उसके बाद में भाई स्पेस तो ठीक है, कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर भी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, एक जर्नी आराम से निपटा सकते हैं, यानी 150-200 किलोमीटर के आसपास की एक जर्नी आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी इतना पीछे करके कोई बैठता नहीं है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं बैक साइड में कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पीछे जाने के लिए वैसे तो ये पूरी आगे है तो एक आराम से जा सकते हैं, बट यदि इसको मैं इसके साथ में कर दूं तो कैसे जाना है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें कोई भी डंबल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। ये रहा इसका लीवर, इस लीवर को डाउन करेंगे तो ये पूरी फोल्ड हो जाती है। उसके बाद में इसको आपको फ्रंट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप आसानी से चढ़ सकते हैं, आसानी से चढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको डोर लॉक करके बता दूं। तो उसके बाद में हमें इतनी स्पेस मिल जाती है जो कि आपको देखा होगा वीडियो में, ये पूरी बैक है, ये पूरी फ्रंट में। यदि मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, ऊपर उठाने के बाद भाई इतनी स्पेस बच जाती है 1.5 फीट के आसपास में, इतनी स्पेस में कौन ही रखेगा, थोड़ी पीछे ही रहेगी सीट। अब यदि मैं पीछे बैठूं और ये सीट के हिसाब से अकॉर्डिंग में देखूं मैं तो भी स्पेस है, यानी गाड़ी में स्पेस पूरी भर भर के भाई, यही एसी का है बस, बाकी पीछे में कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पे मिल जाता है बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस इस साइड में भी, सेम सीट बेल्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई ये है इसकी स्पेसिंग फ्रंट साइड वगैरह में टोटल देख के। ये रहा इसका इंटीरियर बॉडी, बॉडी क्या ही बोलूँ, इंटीरियर साइड पूरा अर्टिगा का। सो फ्रेंड्स चलो ये तो बात हुई इसके इंटीरियर की, अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की कि बैक साइड में बूट स्पेस कितना है और उसके बाद में कैसी मिल जाती है सीट। जाने से पहले आपको दिखा दूँ, मैं अभी ध्यान गया इसमें, यहाँ पे भी लाइट मिल जाती है भाई, अभी तो स्विच ऑफ है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है दोनों साइड के लिए, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ये अच्छी बात है अर्टिगा में। अब सेफ्टी रेटिंग तो देखो मारुति की जो है टीन क्वालिटी ठीक है, उस समय अच्छी क्वालिटी रहती थी, अभी भी 3 स्टार है अर्टिगा में, ठीक है, कोई ज्यादा ये नहीं है। चलिए अब उससे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे सीट बेल्ट एडजस्टिंग का भी ऑप्शन दिया गया है फ्रंट साइड में, लेकिन इस साइड में नहीं दिया जाता। चलिए अब चलते हैं बैक साइड में। सो फ्रेंड्स ये आ गए हम पीछे साइड में। जैसा कि 7 सीटर है तो एज एक्सेप्टेड कोई ज्यादा स्पेस रहती नहीं है इसमें पीछे साइड में, फिर भी मारुति के इंजीनियर्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस इसका मेंटेन कर देते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं टूल किट वगैरह के ऑप्शंस, यहाँ पे पूरे जैक वगैरह यहाँ पे रखते हैं अंदर साइड में, ये ओपन हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी फिलहाल तो खाली क्योंकि सब सामान अपन ने नीचे रखे हैं। चलिए अब आपको करते हैं सीट फोल्ड करके दिखाते हैं, ये यहाँ से रहता है इसका टोइंग हुक, इसको आप जैसे खींचोगे तो सीट फोल्ड हो जाती है। वो सीट पूरी पीछे इसकी वजह से पूरी फोल्ड नहीं हो रही, एक बार उसको आगे करके आपको दिखाता हूँ। भाई साहब जैसे ही आप इस सीट को फोल्ड करते तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेस मिल जाती है। यदि इसको आप 5 सीटर के हिसाब से चलते तो यहाँ पे 500 लीटर के अप्रोक्स में बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि एक 5 सीटर के चलाने के साथ में बहुत बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है।
चलिए ये तो बात हो गई इसकी बैक साइड की, चलिए अब आगे पे चढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखा होगा आपने आर्टिका की हमने पूरी रिव्यू वीडियो बनाई है, कैसी क्या है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, ये देख रहे हो गए फूल जैसी करेंगे तो एक आर्मरेस्ट मिल जाता है पीछे। यदि फोर सीटर चल रहे हैं तो दो पीछे आराम से हैंडरेस्ट को आराम से हाथ रख के चला सकते हैं, समझा करो ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहने वाला ऑनरशिप वीडियो। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।